दोबारा से तिबारा से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है दोबारा तिबारा से। मोदी ठीक है, हमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहिए। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सहारनपुर में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो आखिर किस ओर अपना रुख करने जा रहे हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए मैं मौजूद हूँ सहारनपुर के 62 फुटा रोड पर और यहाँ पर मुस्लिम समाज के काफी लोग यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। 24 का चुनाव आ रहा है, कहा जाता है कि जो मुसलमान है वो भाजपा को वोट नहीं देता, और सुन लीजिए भाजपा को वोट नहीं देता, समाजवादी पार्टी या बसपा के पास विकल्प रहता है, तो आपका क्या कहना है इस पर, कहाँ जा रहे हैं इस बार आप लोग? देखिए इस बार दोबारा से तिबारा से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है दोबारा तिबारा से देश के अंदर दोबारा। वो क्यों बनने जा रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर बहुत सारा विकास कार्य किया है, सबका साथ सबका विकास जो उनका नारा है वो उस पर खड़े उतरे हैं बिल्कुल। और हमारा जो मुस्लिम समाज है वो जो है इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से तिबारा से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने का काम करेगा। ऐसी कौन सी बात है जिससे आप भारतीय जनता पार्टी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट करने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि इस पार्टी के अंदर कोई जातिवाद नहीं है, ना ही कोई धर्मवाद है, सबको साथ लेकर के काम कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कोई भी योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत की योजना हो, इससे पहले की भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की भी सरकार रही, बसपा की भी रही, सपा की भी रही, तो किसी ने ये इतनी बड़ी योजना देने का काम नहीं किया कि कोई भी बीमार आदमी हो कि उसको 5 लाख का इलाज जो है वो फ्री में मिल जाए। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय श्री हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ये 5 लाख का इलाज देने का जो उन्होंने काम किया है, इससे खुश हो करके लोग बाग और ये जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के जो बेचारे दर दर की ठोकरें खाते थे, किराए के घरों में रहते थे, उनको जो मकान मिलने का काम हुआ है उसके अंदर बढ़ चढ़ करके मुस्लिम समाज जो है मेयर के चुनाव में मुस्लिम समाज ने अच्छा खासा वोट दिया है, सभी जानते हैं। इस बार उससे भी 4 गुना ज्यादा मुस्लिम समाज भाजपा के पक्ष में वोट करने का काम करेगा। हमारे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग भी है, उनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि सहारनपुर जिले में 2 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, मुस्लिम है, 1 सांसद है, क्या लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर उन लोगों ने चुनाव जीता है उन मुद्दों को उन्होंने पूरा किया कि नहीं किया? जो बदलाव लाने की बात उन्होंने कही थी वो क्या बदलाव आपके जीवन में आया या फिर उन्होंने राजनीति की है? भाई मोदी ठीक है बस और हमें पता नहीं लगता, बस आगे कहानी खत्म, मोदी ठीक है। तो ये कोई जवाब दे रहे हैं, इनके लिए मोदी जी काफी ठीक लग रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे ये करूंगा, इमरान मसूद कांग्रेस समाजवादी पार्टी या बसपा? इमरान मसूद का मामला ये रहा है कि इमरान मसूद साहब जो है वो अपने मतलब को पार्टी ज्वाइन करते हैं। अभी 22 में चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव जो हुए थे, उन्होंने समाजवादी सरकार बनती देखी तो कांग्रेस का दामन छोड़ के समाजवादी का दामन उन्होंने थाम लिया था। अभी ये मेयर के जो चुनाव हुए अब इन्होंने मुस्लिम समाज और जो दलित समाज का वोट देख के उन्होंने फिर अपने लालच को आके बसपा ज्वाइन कर ली। लेकिन अब लगता है इमरान मसूद साहब जैसे कि कांग्रेस का गठबंधन सबके साथ चल रहा है, इस दौर को देखते हुए चुनाव का जो माहौल बनना है वो फिर लगता है कि कांग्रेस दोबारा ज्वाइन करने वाले है। तो दोबारा बदल देंगे पार्टी को? जी लगता है कि कांग्रेस ज्वाइन करने वाले है। अच्छा। जी बाकी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है हमें लगता है कि हमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो फिर से 2024 के अंदर बढ़ चढ़कर फिर से बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की आपको खूबे बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी गरीब हो अमीर हो मुस्लिम जो भी सारे धर्म की जाति हो सबको सम्मान देने का काम कर रही है और सबसे ज़्यादा मुस्लिम क्षेत्र के अंदर कम से कम 80% लोगों को मुसलमान को घर दिया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। आज से कांग्रेस भी रही है 10 साल, हमारे होश में 10 साल रही है, समाजवादी भी रही है, बसपा भी रही है, लेकिन किसी ने ऐसी योजना का लाभ नहीं दिया, सिर्फ और सरकार ने सबको लूटने का काम करा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो पूरे ईमानदारी के साथ हम सबको हिंदू मुस्लिम न करके सबको योजना का काम दे रही है। अच्छा, जो सांसद जी हैं हमारे फजलुर रहमान जी, जब वो जीते थे उन्होंने कुछ वादे भी किए होंगे आप लोगों से, तो क्या वो वादे पूरे हुए कि नहीं हुए? कोई वादे पूरे नहीं। क्यों, क्या क्या चीज़ें उन्होंने कही थी आप लोग, क्या देना? यहाँ देखा भी नहीं कर दिया क्या आपका?
जो आपके एक बड़े नेता हैं इमरान मसूद, वो पहले कांग्रेस में थे, समाजवादी पार्टी, फिर अब बसपा, अब क्या लगता है कहाँ जाएंगे वो? कांग्रेस में जाएंगे। कांग्रेस में जाएंगे। आप उनके साथ हैं, किसके साथ हैं? कांग्रेस के साथ। आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, मतलब इमरान मसूद को सपोर्ट कर रहे हैं आप, लेकिन उनको तो दल बदलू कह रहे हैं कि बार बार दल बदल लेते हैं वो मौका देख के। वो तो उनका रिवाज है, तो चलता है। अच्छा, सहारनपुर में दो विधायक है समाजवादी पार्टी के, मुस्लिम है, एक सांसद भी है, तो क्या लगता है कि जो चीजें उन्होंने मुस्लिमों को लेकर कही थी, जो बदलाव लाने की बात कही थी, क्या वो आप लोगों का प्रतिनिधित्व ढंग से कर पा रहे हैं? देखिए, बदलाव तो सिर्फ और सिर्फ उनकी निजी जिंदगी का आया है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लोग अपना फायदा देखते हैं। उन्हें किसी मुसलमान से मतलब नहीं है, उन्हें किसी हिंदू से मतलब नहीं है, उन्हें किसी दलित से मतलब नहीं है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद से मतलब है। वो मौका परस्त लोग हैं, जिसका पल्ला देखते हैं, लोगों को गुमराह कर करके उनका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता। यहाँ सांसद भी है, बहुजन समाज पार्टी के सांसद है, हमने तो कभी देखा नहीं। आज इस रोड का हाल देख लीजिए आप, इस बंजर कॉलोनी का हाल देख लीजिए आप, सांसद है, हमने तो कभी शक्ल भी नहीं देखी उन सांसद की। उससे ज्यादा काम हमारे पूर्व सांसद श्री राघव लखनपाल शर्मा जी, बिना किसी पद पर रहते हुए भी वो निस्वार्थ काम कर रहे हैं, और हिंदुओं को भी काम कर रहे हैं, मुसलमानों को भी काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, जितने हिंदू वहां पर काम कराते हैं, उससे ज्यादा मुसलमान काम कराते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। श्री राघव लखनपाल शर्मा निस्वार्थ, बिना किसी लालच के, जबकि मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया लोकसभा चुनाव में, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, टोटल वोट अदर पार्टी को गया, लेकिन मैं उनकी इसी बात पर खुश होकर के कह देना चाहता हूँ कि वो बिना किसी लालच के, बिना किसी धर्म बात को देखते हुए हिंदू मुसलमान दोनों का काम कर रहे हैं। और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप ये बताइए कि इस वक्त मुसलमानों को भाजपा क्यों पसंद आ रही है? भाजपा काम अच्छे कर रही है। अच्छा, बस बढ़िया काम कर रही है। जो आपके जो बड़े नेता है सहारनपुर में, जो मालिया उमर अली खान है, आशु मलिक है, सांसद है, आजी फजलुर रहमान, इमरान मसूद है, ये इनका काम पसंद नहीं है? इन पर टाइम ही नहीं है। अच्छा, क्यों टाइम नहीं है? ये उनसे आगे पूछो जी, आते हैं कभी क्षेत्र, जब आते ही नहीं, कुछ काम पड़ जा करते नहीं। अच्छा, तो टाइम नहीं है। अच्छा, आज बुला लो फजलुर रहमान को, आना भी नहीं। अच्छा, कोई हमें जरूरत पड़ेगी जब ही, तो उसे नेता मान लेंगे। अब चुनाव आ रहा है तो अब आएंगे वो यहाँ? अब तो फिरेंगे महाराज के पीछे। अच्छा, इमरान मसूद जो है वो कांग्रेस, सपा, बसपा, अब चौथी सारी पार्टियां हो रही है। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं वो? उन्हें पता होगा भाई, तो सारी पार्टियों से खड़े हो रहा है, जो सोच रहा है कि इसे जीतते हम। अच्छा, जीतते हैं, जीतेगी भाजपा ही। लेकिन मुसलमानों को अपने आप मुसलमानों का नेता बताते हैं सभी लोग, क्या कुछ काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए? ये जब करे थे जब, अब तो नहीं कोई कुछ कर रहा। अच्छा, पहले तो उसे बुला लेते, एक दमा लेता कहीं भी। अच्छा, बस आप लोगों को क्यों पसंद आ रही है भाजपा, बताए? भाजपा सबसे अच्छा काम कर रही है, भाजपा अच्छा काम कर रही है, जो बात है। अच्छा, भाजपा इसलिए पसंद आ रही है, राशन भी फ्री मिल रहा है, राशन बहुत गरीबों का बहुत फायदा हो रहा है इसके अंदर। तो ये सहारनपुर के लोग हैं 62 फुटा पर, जिनकी अपनी अलग अलग राय है, हालांकि जो स्थानीय नेता हैं, जो मुस्लिम लीडरशिप की यहाँ पर बातें करते हैं, चाहे वो इमरान मसूद हो, चाहे बसपा के सांसद हाजी फजलुर रहमान, उन लोगों को लेकर काफी इनके मन में गुस्सा भी है कि वो लोग यहाँ पर आते नहीं। अब चुनाव का समय है तो वो जरूर आएंगे। इमरान मसूद पहले समाजवादी पार्टी में थे, फिर कांग्रेस में गए, फिर बसपा में गए, तो इस तरह जो चीजें इमरान मसूद के द्वारा की गई हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं वो काफी गुस्से में भी हैं। सहारनपुर से विकास कपिल।